नमस्कार, मैं हूं कौशल। आज हम इस वीडियो में आपको रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे, साथ में री रजिस्ट्रेशन के लास्ट डेट के बारे में बात करेंगे और 36 कन्वोकेशन के बारे में बात करेंगे, और साथ में बात करेंगे आपको एडमिशन के बारे में, जो कि जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको देख सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट इस बार अभी एग्ज़ाम दिए हैं उनका रिजल्ट अभी आने में 45 दिन का वक्त लगता है। जब आप एग्ज़ाम देते हैं, जब आपका एग्ज़ाम से 45 दिन बाद होता है तब आपका रिजल्ट आता है। तो अभी 45 दिन हुआ नहीं है, मैं भी इस बार एग्ज़ाम दिया हूँ तो अभी 45 दिन हुआ नहीं है, तो 45 दिन बाद रिजल्ट आएंगे, मतलब फरवरी के लास्ट से रिजल्ट डेट जो है वो रिजल्ट आना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूँ कि इग्नू की ओर से जो लास्ट री रजिस्ट्रेशन दिया गया है वहाँ पर आप देख सकते हैं री रजिस्ट्रेशन क्या होता है। जैसे कि अगर आप कोई भी एमसीए और बीसीए में एडमिशन लेते हैं या फिर अदर प्रोग्राम में भी एडमिशन लेते हैं जो कि 2 साल का कोर्स होता है या फिर 3 साल का कोर्स होता है, तो आप देख सकते हैं जो भी एडमिशन आप लिए होंगे उसमें सेमेस्टर वाइज होगा या फिर ईयर वाइज होगा, तो उसमें री रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जब एडमिशन कराते हैं तो उस टाइम आपको समझाया जाता होगा। तो यहाँ पर जो री रजिस्ट्रेशन होता है वो री रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 जनवरी 20 है, यहाँ पर देख सकते हैं 23 लास्ट डेट है, तो आप री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपका जो है इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, यानी कि अभी जो री रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो अभी इनवैलिड है, ये अभी डिसाइड नहीं किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि डेट को फिर से एक्सटेंड किया जाएगा। तो अभी री रजिस्ट्रेशन फ़िलहाल 31 जनवरी तक है, लेकिन इसको बढ़ाया जाएगा। इसके बाद मैं बता दूं कि इग्नू की ओर से रिजल्ट भी जारी किए जा रहे हैं। तो रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले कुछ भी नहीं करना होगा, इसके बाद जैसे रिजल्ट पर क्लिक करते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट का ऑप्शन आता है टर्म एंड, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जो भी दिसंबर में एग्जाम दिए हैं उनका आप रिजल्ट देख सकते हैं। इसके बाद ग्रेड कार्ड पर क्लिक करना है, ग्रेड कार्ड चेक करना है तो यहाँ पर ग्रेड कार्ड भी चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका इनरोलमेंट नंबर डालना होगा, जो भी आपका प्रोग्राम है वो सिलेक्ट कीजिए, अपना इनरोलमेंट नंबर डालिए और यहाँ पर जो भी प्रोग्राम है वो सिलेक्ट कर लीजिए और सर्च कर दीजिए। जैसे सर्च कीजिएगा तो आपका जो है इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपका रिजल्ट का पोर्टल है। तो हमने ये एग्ज़ाम दिया था और मेरा एमसीए पूरा कंप्लीट होने वाला है दोस्तों, बस इस ये पेपर के वजह से मेरा जो है अभी इनकम्प्लीट दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से मार्क्स दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिलहाल अगर कहिएगा तो हम स्क्रीनशॉट भी आपको दे देंगे, आप मैसेज करते रहिएगा कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रेड कार्ड हुआ, जो कि ग्रेड कार्ड भी अपडेट हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं रिजल्ट भी अपडेट होना स्टार्ट हो गया है। फिलहाल अभी जो न्यू एग्ज़ाम दिए हैं उनका नहीं, पुराने वाले का ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिसंबर 20 एग्ज़ाम रिजल्ट, इस पर क्लिक करके आप जो भी इनरोलमेंट नंबर है जो भी आप इनरोलमेंट नंबर दे करके सबमिट करते हैं तो आपका रिजल्ट दिखा देगा। अभी फिलहाल आया नहीं है किसी का। इसके बाद मैं बता दूँ कि इग्नू की ओर से जो अब 35th कन्वोकेशन के बारे में बात करते हैं। 36th कन्वोकेशन क्या होता है? जब मैं ये प्रोग्राम, जैसा कि मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 36th कन्वोकेशन होता क्या, जैसे मेरा एक कंप्लीट, एक नॉट कंप्लीट दिखा रहा है, अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो जब ये कंप्लीट हो जाता है तो आपको एक ये डिग्री मिल जाएगा। वो परमानेंटली डिग्री नहीं मिलता, इग्नू की ओर से 15 दिन में सर्टिफिकेट आते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए कि जब ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो 15 दिन के अंदर मेरा एक सर्टिफिकेट आ जाएगा और उसमें सारा डिटेल्स रहेंगे, उसका भी हम वीडियो बना देंगे। लेकिन वो मेरा ओरिजिनल नहीं होता, जो कन्वोकेशन में मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कन्वोकेशन है, ये कन्वोकेशन में अगर हम देखिए हम एमसीए कर रहे हैं तो मेरे को यहाँ पर 500 या 600 का डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ता है। इसके बाद ये कन्वोकेशन क्या होता है, जैसे मेरा ये डिग्री कंप्लीट हो जाएगा तो सबसे पहले 15 दिन में आएगा वो जो डिग्री आएगा वो नॉट कंप्लीटेड रहेगा। जब मेरा कन्वोकेशन में जो डिग्री मिलेगा वो मेरा वैलिड डिग्री होता है। हालांकि जो 15 दिन में आता है वो भी वैलिड होता है, उसका भी होता है, लेकिन फिलहाल जब वो आ जाएगा जो आप कन्वोकेशन में मिला है तो उसका इनवैलिड हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जैसे ही आप 36th कन्वोकेशन पर क्लिक करते हैं तो इसका जो इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको
टर्म एंड कंडीशन दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 600 का है, इसके बाद 200 का है, पीजी डिप्लोमा 600 का और पीजी सर्टिफिकेट का 200 का है। तो आप देख सकते हैं ये इग्नू का सारे डिटेल्स समझाया गया है, नंबर नंबर क्या है, ये सब कमेंट्स में दर्शाया गया है। ये ईमेल आईडी है, यहाँ पर आपको जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, आई एम एग्री एंड प्रोसीड ऐसे करते हैं, तो इनमें नंबर पासवर्ड और यहाँ पर कैप्चा डाल करके और लॉगिन करना पड़ेगा, तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो यहाँ से आप 35th कन्वोकेशन का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद मैं बता दूँ कि इग्नू की ओर से जो है ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी किए कराए जाते हैं, तो जैसे इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपका जो है इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, इसको क्लोज कर देना है। इसके बाद यहाँ पर नोटिस दिया गया है कि जून टर्म एंड एग्जामिनेशन TET पोर्टल फॉर ऑनलाइन प्रोग्राम्स ओनली इज ओपन फ्रॉम 2 जनवरी 20। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सटेंडेड, इसको बढ़ाया भी गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी कोर्स वगैरह करना चाहते हैं वहाँ पर आप कर सकते हैं। इस MCQ के आधार पर जो इसका रूल एंड रेगुलेशन दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं UGPG के लिए है, और यहाँ से आप एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अभी फ़िलहाल ये, या शायद यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 जनवरी तक था, इसके बाद से इसका डेट जो है ओवर हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन डेट जो है इसका 2 जनवरी तक था, 20 जनवरी तक था, लेकिन ये ख़त्म हो चुका है, आज 21 जनवरी हो चुका है। तो फिलहाल इसका डेट बढ़ाया नहीं गया है, हालांकि बढ़ाया जाता है लेकिन अभी डेट बढ़ाया नहीं गया है। तो इस तरह से इग्नू की ओर से जो भी नोटिफिकेशन आता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही सब बात करने वाले थे, अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।